Finally, a nice movie comes from Bollywood. Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है धमाका। ये मूवी आपको Netflix OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की करंट IMDb रेटिंग है 8.5 और आने वाले दिनों में इसके घटने की पूरी उम्मीद है। मूवी में मेन स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर और अमृता सुभाष हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है राम माधवानी ने। ये वही राम माधवानी है जिन्होंने नीरजा जैसी बढ़िया मूवी डायरेक्ट की थी, जिसे बेस्ट डायरेक्टर फॉर क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला था। वेलकमिंग बैक टू दिस मूवी। इस मूवी में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। अपनी एक्टिंग का लोहा तो वो ऑलमोस्ट हर फिल्म में साबित कर ही देते हैं, लेकिन इस मूवी को इन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे लेकर चलाया है। मूवी का ट्रेलर तो ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी कुछ ही घंटों पे बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि किसी ने मुंबई के सी लिंक पर बॉम्ब रख दिया है। पहले तो कार्तिक आर्यन को ये एक प्रैंक कॉल लगता है, लेकिन जैसे ही पहला धमाका होता है उनको उसकी बात पे यकीन आ जाता है। अब यहाँ से कार्तिक आर्यन, जो एक रेडियो जॉकी का काम करते हैं एज ए डिमोशन, उसको अपनी प्रमोशन का आइडिया सूझ जाता है। वो अपने चैनल हेड को बोलता है कि ये स्टोरी वो ही कवर करेगा अगर उसे प्राइम टाइम स्लॉट दे दिया जाए तो। फिर उसके बाद की मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है। मूवी में कुछ भी ओवर नहीं है, हवाबाजी टाइप की कोई भी बात नहीं है। सभी चीजें साफ और स्पष्ट दिखाई गई हैं। ओवरऑल मूवी में यह दिखाया गया है कि आप बड़ा बनने के लिए कितना बुरा बन सकते हैं। मूवी की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है कि हमें लगे कि कोई चीज़ फालतू में खींची जा रही है। कोई फालतू गाना भी नहीं घुसेड़ा गया और एंड भी एकदम बढ़िया दिखाया गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मूवी एक मस्ट वॉच है, लेकिन आजकल के दिनों में ये मूवी देखना एक अच्छा विकल्प ज़रूर है। और हाँ, आप ये मूवी अपने परिवार के साथ भी बैठकर आराम से देख सकते हैं। इसमें कोई भी गंदा सीन या कोई भी गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, थैंक यू।